नमस्कार, मैं गोपाल सिन्हा मंचगति परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मंचगति का आयोजन 27वें बाबू हरदयाल वास्तव हास्य नाट्य समारोह की तीसरी और अंतिम संध्या है। ये नाट्य समारोह 7 दिसंबर को शुरू हुआ था, जिस दिन मौलिक की नाट्य कृति कंजूस को मंच पर प्रस्तुत किया गया था। दूसरे दिन की यानी बीता हुआ कल 8 दिसंबर को आपने देखा पद्मश्री के पी सक्सेना की नाट्य कृति गज फुट इंच, और आज आप देखेंगे जैन दलवी के द्वारा लिखित और विजय बापट द्वारा हिंदी में अभिनीत नाटक अरे शरीफ लोग। आज की यह नाट्य प्रस्तुति प्रेम विनोद फाउंडेशन के सहयोग से मंच पर आ रही है, और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं आप सबके साथ भूतपूर्व लोकायुक्त उत्तर प्रदेश न्यायमूर्ति एस वर्मा जी, श्री मुकुल सिंघल जी जो उत्तर प्रदेश शासन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री मुकेश बहादुर सिंह, को चेयरमैन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, और डॉक्टर पवन कपूर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बैंकर भी हैं। मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारा ये 27वां नाट्य समारोह डॉक्टर पवन कपूर और मुकेश बहादुर सिंह के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। मैं उनका हृदय से मंत्री परिवार की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और बहुत हर्ष की बात है कि दोनों ही आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं सीनियर आईएएस अधिकारी श्री राजेंद्र तिवारी जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री आर के अग्रवाल, चेयरमैन टेक्नो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे ये विशिष्ट अतिथिगण कृपया मंच पर आए और आज इस तीसरी संध्या का दीप जलाकर शुभारंभ करने कष्ट करें। आदरणीय लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस वर्मा जी, मुकुल सिंघल साहब, मुकेश बहादुर सिंह जी, पवन कपूर जी और राजेंद्र तिवारी जी और आर के अग्रवाल साहब, अब माफी चाहता हूँ, हमारे बीच में गांधी आश्रम के महासचिव बी पांडे जी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर। अपने स्थान पर मंच पर बने रहें।
कृपया आप सबके अतिथिगण, कृपया अतिथिगण आप सभी मंच पर क्षण हमारे साथ रहें। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय एससी वर्मा साहब से और कुल सिंगल साहब से कि हम सब की तरफ से जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं उनका हम अभिनंदन करना चाहेंगे मंच की तरफ से स्नेह स्वरूप एक पौधा। मैं अनुरोध करूंगा एससी वर्मा साहब से और मुकुल सिंगल साहब से कि हम सब की तरफ से सबसे पहले आप श्री राजेंद्र तिवारी जी को जो वरिष्ठ आईएएस हैं उनको गुलदस्ता भेंट करें। तिवारी जी बहादुर सिंह को चेयरमैन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स को हम सबकी तरफ से हमारा स्नेह स्वरूप पौधा। मैं अनुरोध करूंगा एससी वर्मा साहब से कि हम सबकी तरफ से डॉक्टर पवन कपूर जी को स्नेह स्वरूप पौधा भेंट करने का कष्ट करें। सिंगल साहब से कि हम सब की तरफ से आदरणीय बीबी पांडे जी को पौधा भेंट करने का कष्ट करें। मुकुल सिंगल साहब बीबी पांडे जी को और अंत में एससी वर्मा साहब से अनुरोध है कि श्री आर के अग्रवाल जी जो चेयरमैन हैं कैप्टन एनर्जीज की उनको संध्या है और ये समारोह आपकी वजह से संभव हो पा रहा है, कृपया हमें आशीर्वाद दें। थैंक यू गोपाल जी। मैं मंच कृति और उनकी पूरी टीम को खास तौर पे पवन कपूर जी, गोपाल सिन्हा जी, संगम बोगड़ा जी और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आप सबके प्रयास से लखनऊ में रंगमंच एक बढ़ोतरी की तरफ है और हम लोग की भूमिका उसमें बहुत छोटी सी है और पिछले लगातार कई वर्षों से रंगमंच को या जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधाओं के जितने भी ऐसे टैलेंट हैं जिनको हम लोग बढ़ा सकते हैं तो लगातार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं आपकी पूरी टीम को और विशेष रूप से मैं समारोह भी करेंगे, आप सबके अपने विशेषज्ञों की उसमें हम मदद लेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम पवन कपूर जी को भी आमंत्रित करना चाहेंगे कि उनके भी हम शुभकामनाएं आज इस मंच के माध्यम से हमको दें। पवन कपूर जी आज देव विनोद फाउंडेशन की तरफ से आयोजित प्रायोजित कार्यक्रम बाबू हरदयाल समारोह में आप सभी कार्यक्रम जो मेरा फाउंडेशन है मेरे पेरेंट्स की याद में बनाया था और
समाज के सोशल वर्क हैं उनको निर्वहन कर रहे हैं। बहुत जोर से अभी नया नया फाउंडेशन बना है और हम लोगों की हमारे माता पिता की आस थी कि हम मानव जीवन की सेवा करें और इस आपाधापी के दौरान के समारोह है बाबूजी की स्मृति में हम करते आ रहे हैं। उनके बारे में अभी शायद आप लोग सब लोग जानते भी होंगे, मैं फिर संक्षिप्त बताऊंगा। इस समारोह की एक विशेष हमारी कार्यक्रम रहता है इसके अंतर्गत कि हम लखनऊ के जो रंगकर्मी हैं, ऐसे विशिष्ट रंगकर्मी चाहे वो वरिष्ठ हों युवा हों, उनका हम प्रत्येक वर्ष उनका हम सम्मान करते आ रहे हैं। हम बस आपके 5 मिनट हम और लेंगे, एक छोटा सा संक्षिप्त सम्मान समारोह हम मंच पर आयोजित करेंगे। मैं इसके लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे हमेशा मार्गदर्शक उत्साहवर्धक आदरणीय पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस सी वर्मा जी और मुकुल सिंह का साथ। कृपया मंच पर आ जाएं और हम सबकी तरफ से जो हम सम्मान समारोह करेंगे वो आपके कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। चूक हो गई, क्षमा चाहता हूँ। हमारे बीच में राजेंद्र तिवारी जी उपस्थित थे, मैं उनसे अनुरोध, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं और जो हमारा सम्मान समारोह है उसमें वो हम उनका योगदान चाहेंगे। कृपया कर कृपया मंच पर आए राजेंद्र तिवारी जी, आप आइए, हमारा उत्साह बढ़ेगा। प्लीज धन्यवाद तिवारी जी, आप तीनों से हैं। मैं चाहूँगा कि संयुक्त रूप से जो हमारे ये कलाकार आपके सामने आने जा रहे हैं और मंच की का सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिल रहा है ऐसे रंगकर्मियों को सम्मान करने का। नरेंद्र पंजवानी, अभिनेता निर्देशक, वर्ष 75-76 से आप निरंतर रंगमंच पर सक्रिय हैं। वर्ष 1970 में 1977 में आपने खास नाटक टेसू से ही निर्देशन में भी आपने शुरुआत की थी और आज एक अभिनेता के रूप में रंगमंच के अलावा आप लखनऊ में जितनी फिल्में बन रही हैं उन सभी में आप अभिनय कर रहे हैं। मंच कीति नरेंद्र परमानी जी को मंच कीति सम्मान से अलंकृत करना चाह रही है, कृपया स्वीकार करें नरेंद्र पंजवानी। आदरणीय एस सी वर्मा जी से अनुरोध है कि वो हम सब की तरफ से पंजवानी जी को सम्मान भेंट करने का कष्ट करें। शॉल और एक प्रतीक चिन्ह, सम्मान चिन्ह, और अब एक महिला युवा रंगकर्मी
कुशल अभिनेत्री है और सबसे बड़ी बात खासियत यह है कि वो बैक स्टेज इतनी एनर्जी के साथ सपोर्ट करती है कि हम लोग कह नहीं सकते किसी बात का बुरा नहीं मानना। सॉन्ग में पूरी ऊर्जा से भरपूर प्रशांत एक बहुत अच्छी अभिनेत्री निशु सिंह। और निशु सिंह की बात ये भी है विशेष बात कि वो 2015 में लखनऊ नगर से गई थी लंदन में, वो एक संक्षिप्त नाट्य कार्यशाला अटेंड करके आई है, ये उनकी एक विशेष उपलब्धि है। निशु सिंह आप आज के नाटक में भी आप उनको अपने देखेंगे। मुकुल सिंघल साहब से अनुरोध है कि वो हम सब की तरफ से इनको सम्मानित करें। अनिल कुमार चौधरी युवा रंगकर्मी जिन्होंने 2014 में बीएनए से आप पास आउट हैं, एक बहुत अच्छे अभिनेता, लेकिन निर्देशन में आपकी विशेष रुचि है और उसमें आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आपने अनेक नाट्य कार्यशालाओं का संचालन किया है और इनकी विशेष उपलब्धि यह है कि इन्होंने कतिपय विदेशी भाषा के नाटकों का भारतीय प्रवेश में अनुवाद किया है। अनिल कुमार चौधरी जैसा मैंने बताया था कि हमें ऐसे लोगों का साथ मिला है जिनके हम हमेशा आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे, और जो हमारा ही साथ नहीं दे रहे हैं वो समाज में बहुत लोगों का साथ दे रहे हैं और उनमें से एक हैं मुकेश बहादुर सिंह, को चेयरमैन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप जहां उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल डेवलपमेंट में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, वहीं आप साहित्य में और कला के क्षेत्र में अपना सराहनीय सहयोग दे रहे हैं। आदरणीय मुकेश बहादुर सिंह जी, मैं अनुरोध करूंगा न्यायमूर्ति एस सी वर्मा साहब से कि हम सब की तरफ से मुकेश बहादुर सिंह जी को सम्मानित करने का सके। और आज की ये नाट्य प्रस्तुति जिनके सहयोग से संभव हो सकी है और निरंतर हमको वो अपना स्नेह देते रहे हैं, श्री डॉक्टर पवन कपूर जी, प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं बैंकिंग सेक्टर में दीर्घकालीन अनुभव रखने वाले, मैं आपसे अनुरोध करूँ कृपया मंच पर आएं और हमारा सम्मान स्वीकार करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूँगा मुकुल सिंघल साहब से और तिवारी जी से कि आपको सम्मानित करने का कष्ट करें। हम सबकी तरफ से शौर्य और स्मृति चिन्ह। अब एक ग्रुप फोटोग्राफ कर लें, फोटोग्राफ प्लीज। धन्यवाद, कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण कर लें। बस एक छोटी सी बात मैं रखना चाहूंगा कि लखनऊ में बहुत से नाट महोत्सव ऐसे हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ऐसे दर्शक हमारे साथ हों, हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथिगण हों, मुकेश भाई हों, पवन भाई हों, तो हम सब मिलके निश्चय ही एक ऐसा नाट्य समारोह यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें कि आप उसे खुलकर देखिए
और एक ऐसी अच्छी प्रस्तुति हो, मैं उस अवसर की कल्पना कर रहा हूँ। जैसा पवन भाई ने बताया अभी कि 2-3-4 मार्च को उनके फाउंडेशन की ओर से हमारे मंच के सहयोग से समारोह करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम एक वृहद आयोजन करें, हास्य नाटकों का ऐसे ही आयोजन करें जो आप लोगों के दिल को छू जाए और एक हमेशा के लिए यादगार बन जाए। हम ऐसे अवसर की कल्पना करते हुए एक बात आपसे और कहना चाहेंगे कि आपको आते समय एक लिफाफा आपको मिला होगा ब्रोशर के साथ, उसके दो उद्देश्य हैं। एक तो कृपया अपने कॉन्टैक्ट, अपना नाम, फ़ोन नंबर, उसमें एक पर्ची रखी हुई है उसमें आप नोट कर दें ताकि आप हमारी मेल लिस्ट में हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और यदि आप हमें कोई सहयोग करना चाहें अपने किसी भी तरह से, तो वो आप उसमें रख कर बाहर जो बॉक्सेस रखे हैं उसमें आप उसको दे सकते हैं। आज इस तीसरी संध्या पे मैं पुनः बाबू हरदयाल जी वास्तव को, जो हमारे हमेशा अपनी विद्यायों में भी वो हमारा हौसला बढ़ाते रहे, जो वर्ष 90 में उनकी जब मृत्यु हुई उसके बाद, चूँकि उनको हाथ से बहुत लगाव था, हाथ से हम हास्य नाट समारोह का आयोजन वर्ष 91 से करते चले आ रहे हैं, आप सबका सहयोग है कि आज 27वां आयोजन आपके समक्ष अपनी तीसरी और अंतिम संध्या के साथ प्रस्तुत है। इससे पहले कि हम आज की नाट्य प्रस्तुति जो कि प्रेम विनोद फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत की जा रही है आपके मंच पर आए, मैं अनुरोध करूंगा हमारे बाबू जी के पुत्र विजय वास्तव जी, जो स्वयं बहुत अच्छे अभिनेता हैं, आपने उनको देखा होगा, मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सब की तरफ से बाबू जी के चित्र पर माल्यार्पण करने की कृपा करें। सक्सेना से और हमारे मित्र और रंगकर्मी सहयोगी अशोक सिन्हा जी से कि संयुक्त रूप से बाबू जी के चित्र पर हम सब की तरफ से माल्यार्पण करने कष्ट करें। आज की इस नाट्य प्रस्तुति की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस अवधि के दौरान आपसे चिन्ह परिचित अनुरोध, कृपया अपने अपने मोबाइल सेट्स को साइलेंट पर या वाइब्रेशन मोड पर रखें। नाटक की समाप्ति पर हम कुछ क्षण आपके और चाहेंगे। जो कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। 27वें बाबू हरदयाल वास्तव हास्य नाट्य समारोह की तीसरी संध्या पर प्रस्तुत है वो नाटक जिसे कि सपोर्ट किया है प्रेम विनोद फाउंडेशन लखनऊ ने, और आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है नाटक जिसका निर्देशन किया है संगम बहुड़ा ने। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक अरे शरीफ लोग। वो तुमसे ज्यादा हसीन
ऐसे लगो होगा मैं घर का प्रोफेसर मेरे साथ गड़बड़ी चलता
सिलेंडर की बेटी जैसी दिखेगी, वो मुझे जरा बता दे, पूरी पब्लिक के सामने ऐसा मजाक उड़ाओगे ना, छोड़ो मत। अरे ये है तो सही पिंजरा, भैया ये भी तो पिंजरा, चूहा खाने की चीज खा के राव से बाहर निकल जाता है, ससुरा बंदे नहीं। कहिए सरला जी, ये क्या है, क्या कर रहे हैं, पिंजरा लगाए बैठे हैं। पंडित जी, पंडित जी आपके पास पिंजरा है, पिंजरा पिंजरा चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए देखता हूँ डाल पर, शाम तक तो ढूंढ लेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल ढूंढ लूँगा। चूहे लिए कि पिंजरे लिए, अरे जो था
देता पहचान करवा देना है। चलिए अभी क्या अरे अभी नहीं हमारी वो ऊपर खड़ी है कोई झंझट नहीं चाहिए बेटा बड़ा हो जा शादी कर ले तब पूछो लेकिन जान पहचान जरूर करा देना है। ठीक है ठीक है बस देंगे क्या अरे जो चाहो सो शेरे पंजाब में चिकन तंदूरी देंगे। अरे चिकन क्यों मांगता है तुमने मुझे मुर्गी समझ रखा है पर भी खा लेना एक नहीं दो दो लेकिन जान का जान तरह करवा देना है। चाहिए मन मारा रे का हर तो रो सकता है तुमने से श्री ना जुड़े जुड़े काट पड़ी जाए। उसका दरवाजा बंद है। तो देख गई है।
के ठिकाने आ गए। चलो फिर इस कथे को भी पढ़ा।
पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। आप ही बुलाता हूँ, कायदे से ठिकाने लगाता हूँ। गोपी, ए गोपी, ऊपर आ। क्या हुआ? रुक, वहाँ नीचे खड़े खड़े क्या करता रहता है? अभी पूछताछ करती रहती है। क्या पूछ रही थी? आपके बारे में पूछती रहती है। मेरे बारे में? कुछ है? यार बातें मत कर। अरे रुक, रुक, कहाँ जा रहा है? पढ़ाई। अरे पढ़ाई उठाई से बात नहीं है। क्या पूछ रही थी? पूछ बोली, तुम्हारे पिताजी कितने रोबीले नजर आते हैं। काहे को झूठ बोल रहा है? सच, अम्मा कसम। अम्मा कसम? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बता इनकी एग्जैक्टली वो क्या बोली? बोली वो गैलरी में बड़े, वो मतलब, अरे वो मतलब, आ वो जब गैलरी में खुले बगल खड़े रहते हैं ना, तो उनकी कितनी सॉलिड बॉडी नजर आती है। सलमान खान। लेकिन मैं कब गैलरी में खुले बगल खड़ा रहता हूँ? शायद नहाने के बाद। हाँ हो सकता है। अच्छा अच्छा इधर ये बता, ये घटक अंकल के बारे में कुछ कह रही थी? घटक अंकल के बारे में? यू ही है, यू ही है। और मंडी जी के बारे में कुछ बोली? मंडी जी के बारे में? मुझे बुढ़ा मिल गया। बुढ़ा मिल गया? मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूंगा, मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया। जरा ढिंग का आइडिया, उतना ही टाइम पास। कहिए गोपीनाथ जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ भैया, आप जल्दी आ गए ना, हम तो समय पे आए हैं। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारी दोस्त क्या कह रही है? हमारी दोस्त? हमारी दोस्त कब से हो गई? क्यों बतियाते तो रहते हो? आपके बारे में ही बातें करती रहती है। नहीं तो थोड़े लोग जानते हैं। सुनो मेरे, सुनो तो, पढ़ाई तो होती रहेगी। कहे क्या रही? कह रही थी पंडित जी उम्र के हिसाब से कितने तगड़े सॉलिड नजर आते हैं। एकदम सलमान खान। तू झूठ में झूठ बोल रहा है। सर कसम से। नहीं नहीं, वाकई क्या कहा? वाकई? वाकई नहीं, वो जब गैलरी में खुले बदन खड़े रहते हैं ना, तो कितने रोबीले नजर आते हैं। Oh,
कैसे? तो हमारे ये भी वैसे काम निगरानी तो रखनी पड़ती है ना। हमें तो निगरानी रखने की भी जरूरत नहीं है, हमारे ये बेहद शरीर है। तूने लगाया है? हाँ, नीचे चलना है दिए ना।
ये लीजिए गंगा, आज ये बेकार माथे पर आ रहे हैं साइकिल।
अजीब बात है, अजीब बात है। गोपी ने कहा था ये चंदा के तो संबंध है, मतलब औरत यहाँ आ चुकी है। क्या बात है गोपी यार, वो औरत यहाँ क्यों आने लगी? देखो नीचे ताला लगा हुआ है। गोपी हाँ क्या जी चाची, तुझे समझ आ रही है? वाह 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 वाह, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है। कौन सा इत्र है? अरे चंदा है ना चंदा, उसके कमरे में से ऐसी सुगंध आती है, ऐसा लगता है हम झूम रहे हैं। देखो अब तो हद्दी हो गई, मैं भी तुम्हें औरत यहाँ आ चुकी है। आज चांद है, सो जाना चांद देख के उपवास खोलेंगे, और यहाँ ये लोग पहले ही चंदा को देख के व्रत खोल चुके हैं। क्या उपवास कर रहे हैं? बात दरअसल यूं हुई कि मैं बस के लिए क्यों में खड़ा था।
बस आई और एक औरत तेजी से लपकी और बस में चढ़ गई। चढ़ते ही वक्त उसके सर का जूड़ा टपक गया तो मैं नहीं सुनता। और क्या करता, कहते बड़े महंगे आते हैं ऐसे जूड़े, कम से कम 300-400 रुपए के। अपनी मम्मी के लिए ले लिया, बस तो तेजी से निकल गई। पता नहीं उस औरत को कब समझ में आया होगा कि उसके सर का जूड़ा टपक गया। ये तो रख लेते हैं, किसी को चाहिए होगा तो दे देगी। मतलब तो
आगे ने कहा, मैं झोपड़ी आ रहा था, चलो चलो चलो।
मीरा को मकान से बाहर निकालने की बात कहने गई थी। हाँ। जी, आप इस मामले में मत ही पड़िए तो अच्छा होगा, बाकी का कदर में डाल दे। डालती है तो डालती रहे, तुम अपना काम देखो। जी हाँ, कैसे पहचाना आपने? अब इसमें पहचानने वाली कौन सी बात,
भाई वर्मा और शर्मा इनके पास कोई दूसरा बंदा जी मैं पोस्ट कार्ड मेरा मतलब है मैं प्रदीप सीताराम मैं पोस्ट ऑफिस में तू क्या कैसा बस ऐसे ही आपसे मिलने चले हैं बड़ा मन हो रहा था और तो आपके बड़े भाई मतलब पिताजी आपके नहीं नजर आ रहे वो ऊपर अच्छा अच्छा ऊपर एक और मंजिल बनाई ऊपर मतलब स्वर्ग में हम लोगों को पता वैसे आपका ये घर बड़ा अच्छा है और नाम भी पार्वती भवन देखे देखे वहां में आप पे बड़ी ऊंची मात्रा लगा रखी अरे छोटी ऊंची होनी चाहिए छोटी इनको ऊ की प्रॉब्लम है Yeah.
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका गोपी मकान मालिक यहाँ जाता हो? ना है। अरे तो उसने कैसे जाना ये साहब? अरे क्या जान लिया? यही जान लो खुले बटन बोलते हैं। अरे चुप रह, ये सड़क पे है। और चुप रह, ये तो मैं क्या होने वाला भगवान ही मालिक है। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, जब हम लोग अंदर गए थे ना तो चंदा केंद्र की खुशबू आ रही थी, जरूर चंदा अंदर रही होगी। जरूर उसने उसे रखाए के तौर पर Ah!
27वें बाबू हरदयाल वास्तव हास्य नाट्य समारोह की अंतिम और तीसरी संध्या पर प्रेम विनोद फाउंडेशन लखनऊ की हास्य नाट्य प्रस्तुति अरे शरीफ लोग, जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया उनसे हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। मंच पर जिन्होंने अभिनय किया, बिहारी लाल की भूमिका में हरीश बडोला, अनोखे नाम आशुतोष विश्वकर्मा, पंडित जी अम्बरीश गोबी, डॉक्टर खट्टर अमरेश भारियन, लक्ष्मी ममता प्रवीण, कलावती अर्चना शुक्ला, गोपी रूबल जैन, सरला निशु सिंह, मकान मालिक मनोज वर्मा, चंदा निया वाजपेयी, मंच परे प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन मेरे द्वारा और मेरे सहायक थे मनीष सैनी और नीतीश भारद्वाज, संगीत संकलन और संचालन अंकुर सक्सेना, आर्ट डायरेक्टर आशुतोष विश्वकर्मा और इनके सहायक अनुपम वर्मा और आकाश सैनी, वेशभूषा निशु सिंह, सेट निर्माण किया शिवरंजन एन पार्टी ने, मुख सज्जा शहीर, वीडियोग्राफी अनुभव और हमारी मंच व्यवस्था में सहयोग था भव्या द्विवेदी, रविकांत शुक्ला और इसके अलावा जिनका सहयोग मिला अजय शर्मा, आशा धस्माना, हीरा मणि जुबरान, राकेश देवराड़ी, एरिक वीरेंद्र सिंह, भुवनेश मेहता और इस नाट्य प्रस्तुति की परिकल्पना एवं निर्देशन संगम बहुगुणा। बस दो मिनट रहूंगा, हमें बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि जेएस मिश्रा जी फाउंडेशन फाउंडर डायरेक्टर हैं राजेश्वरी वेलफेयर फाउंडेशन के, अभी अभी उन्होंने खुद नहीं आ पाए, कहीं वो किसी मजबूरी में कहीं जाना पड़ गया, उन्होंने अपने को भेजकर सहयोगी को भेजकर उन्होंने हमें सहयोग राशि भेजी है। मनगित परिवार उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है। हम आभार व्यक्त करते हैं प्रेम विनोद फाउंडेशन का और मैं एक मिनट के लिए मंत्र बुलाना चाहूँगा डॉक्टर पवन कपूर जी को, कृपया मंच पर आए क्योंकि ये प्रस्तुति आपकी थी, और मैं मुकेश जी को बुलाना चाहूँगा मंच पर, कृपया आप आए। पहले तो पवन कपूर जी से आपकी ओर से आप कृपया मैं चाहूंगा कि प्रस्तुति आपकी थी आज, पवन जी आप हमारे सुदर्शकों को आभार व्यक्त कर दें। सभी दर्शकों का बहुत हृदय से आभार अभिनंदन और इन सब कलाकारों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और आज पुनः मैं आपको आमंत्रित करता हूं 2, 3 और 4 मार्च के लिए एक नया हास्य समारोह के लिए जो ब्रेक विनोद फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा, आप सभी अभी से आमंत्रित। और मैं मुकेश भाई से अनुरोध करूंगा कि आज के इस नाट्य समारोह के विधिवत समापन की सूचित करें आप। गोपाल सिन्हा जी आपको और संगम बहुला जी को बहुत बहुत बधाई
और सभी कलाकारों को, अनोखे लाल जी, तिवारी जी, बिहारी वर्मा शर्मा, सभी लोगों को, और चंदा जी आपको विशेष रूप से बधाई, क्योंकि आपके कैरेक्टर ने पूरे दर्शकों को बांधा और आज तक हम सब चंदा का इंतजार करते रहे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत, सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। और हम सब यहाँ से संदेश लेकर के जाएंगे कि हमारे पड़ोस में कोई चंदा ना हो। सिंगल साहब आप भी ध्यान रखिएगा, कोई चंदा ना हो आपके अड़ोस पड़ोस में। और बहुत बहुत मंच कृति को और प्रेम फाउंडेशन को, दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। रंगमंच इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, आज आधिकारिक रूप से इसकी समापन है। मैं पुनः प्रेम कपूर जी आपको और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे। एक सूचना और मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ पवन कपूर जी का। मुझे अभी पता लगा कि आपने जितने भी 3 दिन नाटक हुए हैं, जिन कलाकारों ने इसमें भागीदारी करी है, आपने अपनी तरफ से और प्रेम विनोद फाउंडेशन की ओर से सभी उन कलाकारों के लिए उपहार दिया है, जिसे हम बाद में कलाकारों को देंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।